लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। मंत्री राम सूरत राय का बड़ा फैसला, लकी ड्रॉ से राजस्व कर्मियों की पोस्टिंग। जेपी नड्डा के बयान पर जदयू का जवाब, सभी पार्टियां करती है विस्तार। लालू प्रसाद को सीबीआई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, अब जा सकेंगे सिंगापुर। भोला यादव की 5 अगस्त तक बढ़ी सीबीआई रिमांड, 6 अगस्त को फिर सुनवाई। एसवीयू के रडार पर पशुपति पारस का करीबी, भ्रष्टाचार मामले में हुई पूछताछ। छपरा में 2 लोगों की संदिग्ध मौत, 3 की बिगड़ी हालत। पटना में डबल मर्डर से सनसनी, लूट के दौरान मां बेटी की हत्या। पटना हाई कोर्ट के अधिकारी के घर से 40 लाख की चोरी, पुलिस कर रही है तफ्तीश। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरजिंदर और विजय को ब्रॉन्ज, सीएम नीतीश ने दी बधाई। बिहार में मौसम की दोहरी मार, उत्तर बिहार में बाढ़ तो दक्षिण में सुखार। अब खबरें विस्तार से। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग में हुए विवाद के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि लकी ड्रॉ के जरिए 4,353 राजस्व कर्मियों की पोस्टिंग ऑनलाइन तरीके से हुई, ताकि किसी की तैनाती गृह जिले में नहीं हो। वहीं रामसूरत राय ने कहा कि बिना सटीक कारण बताए दाखिल खारिज से जुड़े आवेदन रद्द करने के आरोप में अब तक 33 सीओ निलंबित हो चुके हैं। बिहार यात्रा पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है, जिस पर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना पक्ष रख रही है। वहीं अब जेपी नड्डा के बयान पर जदयू की तरफ से जवाब आया है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हर राजनीतिक पार्टियां अपना विस्तार चाहती है। वहीं मंत्री लेशी सिंह ने भी कहा, नीतीश कुमार बिहार एनडीए के सर्वमान्य नेता है, इसमें किंतु परंतु का कोई सवाल ही नहीं है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव अब अपने इलाज के लिए सिंगापुर जा सकेंगे। चारा घोटाला मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को उनके पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति दे दी है। इससे उनके विदेश जाने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि चारा घोटाला का एक मामला पटना की विशेष अदालत में लंबित है, जिसमें लालू भी आरोपी थे। अभियोजन के गवाही के लिए कोर्ट ने 10 अगस्त की अगली तारीख तय की है। रेलवे भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किए गए लालू यादव के करीबी भोला यादव की मुश्किलें और बढ़ गई है। दरअसल मंगलवार को कोर्ट ने भोला यादव की सीबीआई रिमांड को बढ़ाकर अब 5 अगस्त तक कर दिया है। साथ ही इस मामले में गिरफ्तार रेलवे कर्मी हृदयानंद चौधरी को भी 5 अगस्त तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले इन दोनों की रिमांड अवधि 2 अगस्त तक थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। इस मामले में 6 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के करीबी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा भ्रष्टाचार के मामले में एसवीयू के रडार पर आ गए हैं। इसे लेकर सुनील कुमार सिन्हा स्पेशल विजिलेंस यूनिट के ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ की गई। वहीं सुनील सिन्हा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया। आपको बता दें कि पूछताछ के लिए सुनील सिन्हा को एसवीयू की तरफ से एक नोटिस भेजा गया था। छपरा के पानापुर थाना क्षेत्र के 2 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक दोनों की मौत के पीछे जहरीली शराब पीने की बात सामने आ रही है। इधर घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजन लगातार जाँच की मांग कर रहे हैं। दानापुर में अपराधियों ने डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल फुलवारी शरीफ में बेकरी व्यापारी के घर में अपराधियों ने लूटपाट के दौरान मां बेटी को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। वहीं अब घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में डीवीआर भी अपराधी लेकर चले गए। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पटना जिले के रूपसपुर थाना क्षेत्र में एक चोरी का मामला सामने आया है, जहां बंद फ्लैट में करीब 40 लाख की लूट हुई है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने जिस घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है, उस पे मकान मालिक संजय कुमार सिन्हा पटना हाईकोर्ट में सेक्शन अफसर है। घटना के बाद पटना हाईकोर्ट से जब पुलिस को सूचना दी गई, तब पुलिस सक्रिय हुई और घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले जा रहे 22वें कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। वेटलिफ्टिंग में हरजिंदर कौर ने कुल 212 किलोग्राम वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं विजय कुमार यादव ने जूडो इवेंट में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं जीत पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हरजिंदर कौर और विजय कुमार यादव को बधाई दी है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।
बिहार में पिछले दो महीनों से हो रही कम बारिश के कारण दक्षिण बिहार में धान की रोपाई प्रभावित हो गई है। पूरे क्षेत्र में सूखा का खतरा मंडराने लगा है। इधर नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण उत्तर बिहार में बाढ़ की संभावना बढ़ गई है। मतलब बिहार में एक साथ सूखा और बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं उत्तर बिहार में नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट भी जारी किया है। तो फिलहाल के लिए नाइट बुलेटिन में बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और हाँ, आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।